अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही अच्छी सी धुआंधार सी मसालेदार भिंडी की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 kg भिंडी ली थी, तो उसको देखिए धुल के सुखा के ऐसे कट लगा देना है। अगर भिंडी आपकी बड़ी हो तो उसको 3 पीसेस में कर लें, छोटी हो तो 2 पीसेस में कर लें, और साथ ही साथ भिंडी को चेक भी कर लें अगर उसमें कीड़ा मकौड़ा हो। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से, और फिर उसको अलग एक साइड में रख लेते हैं भिंडियाँ फ्राई करके। फिर 2 टेबल स्पून और मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसके गर्म होने पे उसमें डालेंगे ज़ीरा और हींग और 1 बड़ी सी प्याज मैंने यहाँ लिया है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 हरी मिर्च। तो इन सब चीज़ों को कढ़ाई में डाल देंगे। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो प्याज को हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में। देन इसके बाद हम जो है इसमें ग्रीन चिली जो हमने कट की थी वो ऐड कर देंगे और फिर उसमें डाल देंगे टमाटर, और इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सारी चीज़ों को, और फिर इसमें ऐड कर देंगे अपनी जो हमने भिंडियाँ फ्राई करी थी शैलो फ्राई। इन सबको बहुत ज़्यादा हमें टमाटर को कुक नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ें हम ढक के पका लेंगे 3-4 मिनट के लिए। तो जब तक ये हमारी भिंडी कुक हो रही है टमाटर प्याज के साथ, तो यहाँ पे हम एक मसाला रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच राई और 1/2 चम्मच के करीब ये काली मिर्च है और 2 साबुत लाल मिर्च है। तो ये मसाला डालने से भिंडी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये मसाले से भिंडी बहुत टेस्टी बनती। तो हल्का सा इसको 2-4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे, और इसके बाद इसको एक मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा दरदरा सा पाउडर बना है। तो ये जितना पाउडर है वो भिंडी 1/2 किलो भिंडी में ये हाफ़ पाउडर जाएगा, मतलब आधा इसको यूज़ करना है, आधा फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भिंडियाँ देखिए कितने अच्छे से हमारी कुक हो गई हैं। करीब भिंडी हमारा 80% यहाँ पे कुक हो चुकी है टमाटर प्याज और हरी मिर्च के साथ। आधा मसाला इसमें ऐड करने के बाद से फिर इसमें हम अपने कुछ पाउडर मसाले और ऐड करेंगे। बस ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चुटकी के करीब, और हल्दी पाउडर है, और बस 1 चुटकी ही इसमें गरम मसाला है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से डाल के भिंडी में चलाएंगे, ताकि ये अमचूर पाउडर भी डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब, ताकि भिंडी में ये सारे मसाले बहुत अच्छे से लिपट जाए। क्योंकि टमाटर के साथ ये भिंडी कुक हुई है और साथ में अनियन थी, तो बहुत अच्छे से ये मॉइस्ट हो गई थी भिंडी, और इसमें हल्का हल्का देखिए पानी था, तो जिसकी वजह से मसाले ने बहुत अच्छे से इसमें कोट हो गए सारे मसाले। तो ढक के से 5 मिनट कुक कर देंगे और हमारी भिंडी यहाँ पे रेडी है। चलिए अब इसको बनाते हैं धुआंधार भिंडी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कोयला ले लिया है, उसको खूब अच्छे से आँच पे यहाँ पे मैं गैस पे रख के इसकी फ्लेम खूब अच्छे से जब आ गई है कोयले में, तो और जिस ढक्कन को मैं लगाऊंगी तो उसमें हल्का सा देखिए ये होल रहता है, तो उसको या तो आटा लगा दें या फिर मेरी तरह लॉन्ग यूज़ कर लें, ताकि जो हमारा इसमें इस धुआँ बनेगा वो जो है बाहर ना जाए। तो बस थोड़ा सा घी डाल देंगे कोयले के ऊपर और फिर ढक्कन लगा देंगे, ताकि इसके इस भिंडी में ना एक चारकोल का बहुत अच्छा सा धुएँ का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, स्मोकी फ्लेवर। तो देखिए धुआँ इसमें अच्छे से बन रहा है धुआँ। तो बस इसको 2-3 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर इसको ढक्कन हटा के और ये कोयला हटा देते हैं। और अब इसके साथ हमने इतनी धुआंधार भिंडी बनाई है, तो एक देखिए यहाँ पे लच्छे वाली प्याज मैंने कट करी है, इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और लेमन इसमें डाल देंगे, और इसको मिक्स करके सर्व करेंगे अपनी भिंडियों के साथ। देखिए कितनी लाजवाब सी ये भिंडियाँ देखने में लग रही हैं, और इसको आप खाइए पराठों के साथ, पूड़ी के साथ और या फिर रोटी के साथ। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर
कि रेसिपी को लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।